सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स मैं राम रामप्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्री कंसेप्ट दोस्तों आज के वीडियो में हम रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें हम रैंकिंग का पार्ट वन डिस्कस करेंगे वीडियो को इस तरीके से समझाया गया है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके वीडियो के अंत में आपसे गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें दोस्तों आपका एक लाइक like, या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है तो वीडियो को लाइक like करना ना भूलें वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों आज हम रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक देख रहे हैं वो है रैंकिंग और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे टाइप फर्स्ट तरीके के क्वेश्चंस जिसके अंदर रैंक के आधार पर कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात की जाती है तो इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रमोद इज एट ट्वेंटीथ पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड ट्वेल्थ पोजिशन फ्रॉम राइट साइड देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो इज अगर हम हिंदी में बात करें तो यही क्वेश्चन है कि किसी पंक्ति में प्रमोद का बाईं ओर से स्थान बीसवा है और दाईं ओर से स्थान बारवा है तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लेफ्ट और राइट होता क्या है या फिर बायां और दायां क्या होता है तो अगर हम बात करें लेफ्ट की तो लेफ्ट को हमेशा इस तरफ से काउंट करते हैं यानी इस डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो ये कहलाएगा आपका लेफ्ट डायरेक्शन ठीक है ये हो गया आपका बाएं से स्थान ठीक है ना इसी तरीके से हम बात करें राइट की तो अगर इस तरीके से डायरेक्शन में जाएंगे तो ये कहलाएगा आपका राइट और ये हो गया राइट को हम बोलते हैं दाएँ से फ्रेंड्स अगर कई बार आपको इंग्लिश में कन्फ्यूजन है तो अल्फ़ाबेटिकली आप देख लें लेफ्ट का जो फर्स्ट लेटर है एल वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है तो इसको हम इस तरफ से लिखेंगे और राइट को हम बाद में लिखेंगे तो फ्रेंड्स लेफ्ट और राइट की बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि प्रमोद का बाई ओर से स्थान बीसवा है और दाई ओर से स्थान आपका बारहवा है तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है तो यहाँ पे हम ले लेकर चलते हैं प्रमोद को और यहाँ पर देखते हैं उसका बाई ओर से स्थान फ्रेंड्स प्रमोद का लेफ्ट साइड से जो पोजिशन है वो है ट्वेंटी और राइट साइड से क्वेश्चन में पोजीशन दे रखी है वो है ट्वेल्थ और इन्होंने पूछा है कि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स के नंबर कितने होंगे फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा डायरेक्शन की तरफ ले चलता हूँ यहाँ पे आप देखिए कि जो जनरल डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होती है ईस्ट वेस्ट अपर के साइड में होती है नॉर्थ और लोअर साइड में होती है साउथ फ्रेंड्स अगर मान लो किसी क्वेश्चन में किसी भी व्यक्ति की पोजिशन दे रखी है और उसकी पोजिशन इस तरीके से है जैसे कि उसके माउथ का डायरेक्शन नॉर्थ में हो तो हमेशा उसका राइट ईस्ट की तरफ होगा और उसका लेफ्ट वेस्ट की तरफ होगा जैसा कि हमारा होता है और अगर किसी क्वेश्चन में इस तरीके का कोई भी डिस्कशन नहीं किया है तो हमें नॉर्मल लेके चलना है तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर कि प्रमोद का जो लेफ्ट साइड में पोजीशन है वो ट्वेंटिथ है और राइट right साइड में उसका पोजीशन ट्वेल्थ है यानी कि प्रमोद दोनों तरफ से काउंट हो रहा है अगर लेफ्ट साइड में बात करें तो ट्वेंटिथ नंबर पे प्रमोद आ रहा है और राइट right साइड में बात करें तो ट्वेल्थ नंबर पे प्रमोद आ रहा है यानी प्रमोद का एक तरफ से बीसवा नंबर है एक तरफ से बारहवा नंबर है तो दोनों साइड से ये काउंट हो रहा है तो यहाँ पे अगर हमें टोटल स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो कुल संख्या यहाँ पे रहेगी आपकी बाईं ओर से स्थान यानी कि लेफ्ट साइड से जो भी पोजीशन है प्लस दाई ओर से स्थान यानी कि राइट साइड से जो भी पोजीशन है उसमें से आपको माइनस वन करना है क्योंकि यहाँ पे प्रमोद को हमने दोनों तरफ से काउंट किया है तो टोटल यहाँ पे आपका संख्या हो जाएगी ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व माइनस वन तो यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे थर्टी वन तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर टू जिसके अंदर भी हम रैंक के आधार पर ही कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करेंगे क्वेश्चन ये है इन ए क्लास कार्तिक गेट सिक्स्थ रैंक फ्रॉम अपर साइड एंड नाइनटीन रैंक फ्रॉम लोअर साइड देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो किसी कक्षा में कार्तिक का आगे से छठा स्थान है और पीछे से उन्नीसवा स्थान है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी तो दोस्तों अगर आपने पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखा होगा तो आप इसका आंसर बड़े आसानी से कर सकते हो देखते हैं हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे यानी कि यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि ये कार्तिक है और इसका जो ऊपर वाला स्थान है वो है सिक्सथ और जो लोअर साइड में स्थान है वो है नाइनटीन यानी कार्तिक दोनों तरफ से काउंट हो रहा है तो यहाँ पे कुल संख्या होगी आपकी आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान माइनस वन यानी हो गया आपका सिक्स प्लस नाइनटीन माइनस वन तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ट्वेंटी फोर्थ यानी इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो जो भी आगे का स्थान दे रखा है और जो भी पीछे का स्थान दे रखा है उससे आप जल्दी से आप टोटल कर लो और उसमें से माइनस वन कर लो तो सिक्स प्लस नाइनटीन माइनस वन यानी कि कक्षा में जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे वो ट्वेंटी फोर्थ रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रेंड्स यहाँ पर हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम एक छोर की रैंक के आधार पर दूसरे छोर की रैंक ज्ञात करेंगे जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन थ्री इन ए रो ऑफ फोर्टी फाइव स्टूडेंट्स कुशाल इज एट थर्टीन पोजिशन फ्रॉम राइट साइड देन ऑन विच प्लेस ही स्टैंड फ्रॉम लेफ्ट साइड यानी हिंदी में हम देखें तो पैंतालीस छात्रों की एक कतार में कुशाल दाएं से तेरहवें स्थान पर है तो बाएँ से कौन से स्थान पर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसे हमें जल्दी से पेन से बना लेना है जैसे कि टोटल स्टूडेंट्स की संख्या दे रखी है फोर्टी फाइव और हमें मालूम है कि इस तरफ से लेफ्ट क्वेश्चन है और ये राइट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि कुशाल का राइट साइड से यानी दाएं से तेरवा स्थान है और उन्होंने पूछा है कि इसका बाएं से स्थान कौन सा होगा तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को भी आसानी से किया जा सकता है तो फ्रेंड्स इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो ये है कि बाएं से स्थान इज इक्वल टू कुल संख्या माइनस दाएं से स्थान प्लस वन या फिर अगर हमें दाएं से स्थान पता करना है तो कुल संख्या माइनस बाएं से स्थान प्लस वन तो फ्रेंड्स इंग्लिश में हम बोले तो ये कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट साइड से अगर किसी की पोजिशन पूछी है तो वो हो जाएगी आपकी टोटल स्टूडेंट्स माइनस राइट साइड पोजिशन प्लस वन और अगर राइट right साइड से पोजिशन पूछी है तो वो हो जाएगी आपकी टोटल स्टूडेंट्स माइनस लेफ्ट साइड पोजिशन प्लस वन तो इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं ये आपका हो जाएगा फोर्टी फाइव माइनस थर्टीन प्लस वन यानि कि बाएं से स्थान हो जाएगा आपका कुशाल का थर्टी थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम एक छोर की रैंक के आधार पर दूसरे छोर से रैंक ज्ञात करना ही देखेंगे और इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इन ए क्लास ऑफ फिफ्टी सेवन स्टूडेंट्स मयंक गेट ट्वेंटी थर्ड रैंक फ्रॉम अपर साइड देन द रैंक ऑफ मयंक फ्रॉम बैक साइड इज अगर सत्तावन छात्रों की एक कक्षा में मयंक का आगे से तेईसवां स्थान है तो उसी कक्षा में उसका पीछे से क्या स्थान होगा तो फ्रेंड्स इस तरीके के क्वेश्चंस को भी हमें जल्दी से ड्रॉ करना है और बना लेना है इस तरीके से कि टोटल 57 सेवन स्टूडेंट्स से है यहाँ पे मयंक है उसका ऊपर से स्थान ट्वेंटी दे रखा है और उन्होंने पीछे से स्थान को पूछा है तो ये वही पैटर्न है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था यानी आपका हो जाएगा पीछे से स्थान इज इक्वल टू कुल संख्या माइनस आगे से स्थान प्लस वन और आगे से स्थान इज इक्वल टू कुल संख्या माइनस पीछे से स्थान प्लस वन यानी अगर पीछे से स्थान पूछे और आगे से स्थान दे रखा है तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और अगर आगे से स्थान पूछे और पीछे से स्थान दे रखा है तो भी हम संख्या को फाइंड आउट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बेक साइड से इसकी रैंक पूछी है माइन की वो रह जाएगी आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी 57 सेवन माइनस अपर साइड रैंक यानी 23 थ्री प्लस वन तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे थर्टी तो फ्रेंड्स अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का एंड द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ़ दिस वीडियो इज अभिषेक का बाई ओर से 18वां स्थान है और दाई ओर से तीसवा स्थान है तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है ऑप्शन ए फोर्टी सिक्स ऑप्शन बी फोर्टी सेवन ऑप्शन सी फोर्टी एट एंड ऑप्शन डी फोर्टी नाइन तो फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सही समय पर मिलते रहें मैं राम प्रकाश प्रजापत आपसे फिर मुलाकात करूँगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स